नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा भी, अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा की थी और आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कुछ शेयर मार्केट से भी प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 31 जुलाई 2024 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी था, लेकिन किसी कारणवश आप ड्यू डेट तक यानी कि 31 जुलाई 2024 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को आप फाइल नहीं कर सके। तो अब क्या होगा, कब तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हो, क्या आपका जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कोई TDS अगर आपका कोई कटा हुआ है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस का क्या प्रावधान रहेगा, तो ये सारी बातें अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भी कौन कौन सी अब आपके ऊपर कंडीशन है जो अप्लाई हो जाएगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2024 जो कि अब जा चुकी है, लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा की है, शेयर मार्केट से भी कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो जैसी बात है 5 लाख को क्रॉस करिए, तो आपको मैंडेटरी था 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने का, लेकिन रिटर्न फाइल आप नहीं कर सके। तो अब अभी आपके पास में चांस है भी अब आप अपनी बिलेटेड 31 दिसंबर 2024 तक अपनी ITR को फाइल कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं वो अब आपके ऊपर लागू हो जाएगी। कौन कौन सी कंडीशन है वो अपने डिस्कस करते हैं। कंडीशन नंबर एक यही रहेगी भी अब आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो आपको न्यू रिजीम के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, अब आप ओल्ड रिजीम के अंदर अपनी ITR को फाइल नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन यही है भी अगर आपने टैक्स सेविंग के पर्पज़ से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जो कि अभी तक अपने ओल्ड रिजीम के अंदर 1.5 लाख रुपये तक की जो अपने छूट लेते थे वो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उसका अब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू रिजीम के अंदर वैसे भी सारी डिडक्शन है जो बार हो चुकी है सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तीसरी कंडीशंस आपके ऊपर जो लागू रहने वाली वो ये भी बाय दो, अगर मान लीजिए आपको कोई शेयर मार्केट के अंदर कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड अप नहीं कर सकते, ये कंडीशन अब आपके ऊपर लागू हो जाएगी। यानी कि पहली कंडीशन आप ओल्ड रिजीम के अंदर अपनी ITR को फाइल नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी थी 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम की तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन आपके ऊपर लागू हो जाएगी। अब अपने बात करते हैं लेट फीस की, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा की है तो अब आपको जो 5,000 रुपये लेट फीस के साथ आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 31 दिसंबर 2024 तक। यानी कि अब ये चाहे आप अगस्त मंथ के अंदर कर दो रिटर्न फाइल तो भी आपके ऊपर 5,000 रुपये की लेट फीस लगेगी, चाहे आप 31 दिसंबर 2024 को रिटर्न फाइल कर लेना तो भी आपके ऊपर 5,000 रुपये की लेट फीस लगेगी। लेकिन अगर आपका कोई टैक्स बनता है, तो वो 31 दिसंबर तक उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है जो लगेगी अगर आप दिसंबर मंथ के अंदर अपनी ITR फाइल करते हो। तो अगर आपकी इनकम मान लीजिए 3 लाख से लेके और 5 लाख तक रहती है तो आपको 1,000 रुपये तक आप लेट फीस के साथ अपनी ITR को फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर तक। लेकिन अगर आपका कोई टैक्स यहाँ पर कैलकुलेशन हो नहीं रहे तो आपके ऊपर की टैक्स की कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन 1,000 रुपये लेट फीस के साथ आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप 2.5 लाख रुपये तक अपनी इनकम को फाइल करते हो तब आपके ऊपर कोई भी लेट फीस का प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं है, लेकिन 3 लाख से 5 लाख के बीच के अंदर अगर आप अपनी इनकम शो करते हो तो आपके ऊपर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी, 5 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5,000 रुपये लेट फीस के साथ के अंदर अपनी ITR 31 दिसंबर 2012 तक आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं अपने TDS की, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है किसी भी सेक्शन के अंदर तो उसका आपको बेनिफिट 100% मिलेगा, ऐसा नहीं है अगर आप रिटर्न लेट फाइल करती तो आपको TDS का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, TDS का बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका कोई टैक्स बनता है और जितना आपका TDS कटा हुआ है वो आपका माइनस होकर नेट लाइबिलिटी आपकी रह जाएगी,
और जो नेट लाइबिलिटी रहेगी उसके ऊपर आपको 31 दिसंबर तक विद इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोगों के सस्पेंस था भी अगर ड्यू डेट चल गई तो हमें रिटर्न कब तक फाइल करेंगे, लेट फीस का क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा जो डर ये रहता है भी हमें डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस कब तक मिलेगा। लेकिन नोटिस का अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि अभी तक आपके पास में ड्यू डेट अभी भी बची हुई है बिलेटेड की 31 दिसंबर तक। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाते और अगर आपकी कोई इनकम है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने अगर आ जाती है, मान लीजिए आपका टैक्सेबल 8 लाख से 7 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई, तो अगर वो आपने फिर भी अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाते और वो डिपार्टमेंट के नज़रों के अंदर अगर आपकी इनकम आती है तो 100% आपको उसका नोटिस भी मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनकी ITR अभी भी ड्यू है, जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है और उनकी इनकम है जो 5 लाख से ज़्यादा की है।